हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल इट लाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बनाएंगे हरी मिर्च के पकौड़े। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हरी मिर्च के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे हरी मिर्च। तो यहाँ पे वो जो मोटी हरी मिर्च आती है वो हमने ली हुई है, और इनको अच्छे से वॉश करके पोंछ के और इस तरह से हमने बीच में कट करके रखा हुआ है। फिलिंग के लिए हमें चाहिए आलू। यहाँ उबले हुए आलू लिए हैं, आलू को हमने मैश करके रखा हुआ है, और साथ ही साथ क्योंकि कोटिंग हमें बेसन की करनी होगी तो हमने बेसन लिया हुआ है। और मसाले में हमें चाहिए नमक, बारीक कटी हरी धनिया, बारीक कटी हरी मिर्च, लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप खाली हरी मिर्च डाल के भी बना सकते हैं, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर और हींग। तो शुरू करते हैं हरी मिर्च के पकौड़े बनाना। सबसे पहले हम जो ये जो आलू हैं मैश किए हुए रखे हैं, तो हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, इसमें मसाले मिला के इसको रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ी सी हम लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि हम लाल और हरी दोनों मिर्च यूज करेंगे। और यहाँ पे ये जीरा पाउडर डाल देंगे, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, नमक थोड़ा क्योंकि जो बेसन की हम कोटिंग करेंगे उसमें भी हम थोड़ा सा नमक रखेंगे, तो हमें उसी हिसाब से नमक डालना है इसमें। और ये बारीक कटी हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे, साथ ही साथ ये धनिया डाल देंगे इसमें, और उसके बाद में लास्ट में ये अमचूर पाउडर हम इसमें डाल देंगे। इन सभी मसालों को अच्छे से मैश कर लेंगे हम, और पकौड़े के लिए एक बढ़िया सी फिलिंग हम तैयार करेंगे। ये इधर हमने आलू की फिलिंग तैयार कर ली है, और अभी क्योंकि मिर्च पे हमें जो कोट करना है बेसन का, तो उस बेसन की कोटिंग हम तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में हम बेसन डालेंगे, उसमें कुछ मसाले डाल लेंगे, थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे हम, थोड़ी सी हींग डालेंगे इसमें, और थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक क्योंकि फिलिंग में भी है तो उसी हिसाब से हमें रखना है। और इसमें पानी डालकर हम इसका थोड़ा कोट तैयार करेंगे, ताकि इतना हमें रखना है कंसिस्टेंसी उसकी, अभी हम आपको दिखा देंगे कि वो मिर्च में आसानी से ऊपर से कोट हो जाए। ये बेसन का हमने इस तरह से एक थिक पेस्ट तैयार कर लिया है, और ये कंसिस्टेंसी है इसकी। तो अब हम पकौड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ हमने ऑयल भी गरम कर लिया है। तो सबसे पहले मिर्च में हम ये आलू की स्टफिंग करेंगे, अच्छे से बिल्कुल फिल कर देंगे इसको, और ऑयल भी क्योंकि गरम है और हमें मीडियम गैस पे ही हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से बिल्कुल कायदे से इसको फिल करके, और इसकी कोटिंग फिर हम करेंगे। बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनते हैं ये वाले। ऑयल गरम हो गया है, इस तरह से इसको बेसन में अच्छे से पूरा कोट करेंगे हम मिर्च को, ताकि पूरी मिर्च के ऊपर बेसन की एक अच्छी कोटिंग हो जाए। और फिर हम इसे ऑयल में डाल देंगे, और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और ये हरी मिर्च के पकौड़े बढ़िया फ्राई करके हमने निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल ट्रिपल इट लाइट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।